दार्जिलिंग की आगामी नगर पालिका नगर परिषद के होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी। इसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन नगर धामनौद में हुआ, जिसमें सभी नगर परिषद पालिकाओं में एक स्वतंत्र 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ एवं नगर परिषद धामनौद में पूरे 15 वार्डों में चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ। उनसे चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद व क्षेत्रीय संगठन सचिव राजकुमार दुबे के निर्देशन में सभी नगर परिषद व पालिकाओं में जहां चुनाव होने हैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कही। धामनौद में पूरे 15 वार्डों के संभावित उम्मीदवारों के साथ कार्यशाला में चर्चा कर नाम तय कर लिए गए हैं। उचित समय पर एक साथ सभी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, आने का पर्याय हमारा ये था कि पहला तो धार जिले के जितने पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक रखी थी, और दूसरा उद्देश्य था धार धामनौद की जो नगर परिषद के जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के एक कार्य योजना, एक वर्कशॉप तैयार करना थी, जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं जो नगर परिषद में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग शेड्यूल था, और बस उन्हीं उसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और धामनौद नगर के निवासियों को बताना कि आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में है और आपको जो है किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली और पंजाब में जो हमने सुशासन स्थापित किया है वैसा ही सुशासन हम धामनौद में भी स्थापित करेंगे, पूरे धार जिले में स्थापित करेंगे। धामनौद में अपने वार्ड उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है क्या? देखिए, घोषणा नहीं हुई है लेकिन हमने प्रत्याशी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जब भी समय आएगा तो आपको जो है पाटीदार जी के माध्यम से वो सूची प्राप्त हो जाएगी। अभी